गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ क्लास थर्ड। टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 6 चैप्टर 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और 10, 11, 12 and 14 do yourself in your books only। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक और 10, 11, 12 and 14 आपको बुक में ही सिर्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये ऐड है, सिंपल ऐड है, पहले भी हम लोग ऐसे बना चुके हैं। 24 और 62 को ऐड करेंगे, तो पहले हम लोग 24 लिखेंगे, देन आफ्टर 62। नाउ वी ऐड करेंगे 4 और 2, 6 हो गया, और 2 और 6 ऐड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हमने कर दिया, इसमें बी सी जो भी हो से इसी मेथड पर आप बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्रॉब्लम जो है वर्ड्स में दिया है, इसको हम लोग फिगर में लिख लेंगे। 617 and 261 पहले हम लोग लिखेंगे 617 हो गया, देन आफ्टर 261 फिगर में लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 7 a 1 add 8 1 a 6 7 a 6 a 2 add तो एच कंप्लीट हो गया। सेम इसी के जैसा आई है, आप इसको खुद बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर एफ 213 फ्रॉम 485 फ्रॉम मींस सेम यानी 485 से हम लोग 213 सबट्रैक्ट करेंगे। पहले लिख देंगे हम लोग 485, उसके बाद 230 और सबट्रैक्ट करेंगे। 5 minus 3 equal to 2, 8 minus 1 equal to 7 and 4 minus 2 equal to 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का एफ हमने बना दिया। ए बी सी डी जो भी है आप सेम मेथड पर आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जी, यहां भी वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको हम लोग फिगर में लिख लेंगे। 230 फ्रॉम 748 यानी 748 से 230 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिगर में लिख लिए यहाँ 8 minus 0 equal to 8 and 4 minus 3 equal to 1 and 7 minus 2 equal to 5। तो इस तरह से 9G का ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 13 को आप खुद बनाएंगे। इस मेथड का हम 9 और 8 में बना दिए हैं, आप इसको स्वयं बनाएंगे। यहाँ होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 and 13 आप फेयर नोटबुक में बनाएंगे। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 7। इन एक्सरसाइज 7 वी सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ, सो यू केयरफुली फर्स्ट यू लर्न द क्वेश्चंस देन स्टार्ट टू सॉल्व इट। पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव इज 35 इयर्स ओल्ड, वासुकी इज 4 इयर्स ओल्डर देन वासुदेव, व्हाट इज वासुकी एज। पहला क्वेश्चन में बोला है कि वासुदेव का उम्र 35 साल है और वासुकी वासुदेव से 4 साल बड़ा है, तो वासुकी की उम्र कितनी होगी। तो इसमें हम लोग पहले लैंग्वेज लिखेंगे, एज ऑफ वासुदेव इक्वल टू 35 इयर्स, देन आफ्टर एज ऑफ वासुकी 4 इयर्स मोर देन वासुदेव, यानी वासुकी का उम्र वासुदेव से 4 साल ज्यादा है। दस द एज ऑफ वासुकी इक्वल टू 35 इयर्स प्लस 4 यानी वासुदेव का जो उम्र है 35 वर्ष उससे 4 साल ज्यादा है,
बासुकी टाउन इसमें 4 इयर्स हम लोग ऐड करेंगे तो 35 इयर्स प्लस 4 इयर्स इक्वल टू 39 इयर्स दैट विल बी द आंसर बासुकी एज इज 39 इयर्स ये हम लोग का बासुकी का एज निकल गया नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ए सिनेमा हैज सीट्स फॉर 848 पर्संस फॉर ए फिल्म शो 637 पर्सन बाय टिकट्स हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट इन द सिनेमा देखिए इसमें क्या है एक सिनेमा है उसमें 848 पर्सन के लिए सीट है यानी 848 आदमी का सीट उस सिनेमा में है और वहां पे 637 टिकट सोल्ड कर लिया यानी बिक्री कर दिया तो कितने सीट बच गए वैकेंट खाली रह गए तो इसका लैंग्वेज हम बनाएंगे यहाँ पे हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं आप पीडीएफ से और बुक के हेल्प से क्वेश्चन खुद मिला दीजिएगा देन फर्स्ट लैंग्वेज स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा 848 यानी सिनेमा में 848 सीट्स हैं देन आफ्टर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड यानी टिकट की संख्या जो बिक्री हुई है 637 है तो 848 से 637 हम लोग माइनस करेंगे 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 यानी हम लोग का कितना आ गया 211 ये 211 क्या हुआ हमारा वैकेंट सीट हो गया यानी इतना हम लोग का सीट बच गया 637 जो है बिक्री हो चुका था यानी इतने आदमी का सीट फुल हो गया तो लास्ट में लिखेंगे हैंस सीट रिमेन वैकेंट ये इतना सीट हम लोग का बच गया कितना 211 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम इसके जैसा ही है आप लोग खुद बनाइएगा नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 57 टू गेट 60 यहां बोल रहा है कि 57 से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कितना घटा देंगे ये आंसर हम लोग का 16 हो जाएगा तो आप लिखेंगे यहां पर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 57 माइनस 16 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 दैट मीन्स 41 को हम लोग यदि 57 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ए मैन्स एज इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स एंड वन डॉटर द सन्स आर 15 एंड 14 इयर्स ओल्ड एंड द डॉटर इज 10 इयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड इज द फादर देखिए बुक से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बोला है कि एज ए मैन्स एज इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द एज ऑफ टू सन्स एंड वन डॉटर एक आदमी है उसका कुल उम्र उसके दो बेटे और एक बेटी के उम्र के बराबर है बेटों का उम्र दिया है 15 प्लस एंड 14 प्लस 15 इयर्स एंड 14 इयर्स 15 और 14 दोनों हम ऐड करेंगे 29 इयर्स हो गया एंड द एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 10 इयर्स यानी डॉटर उसकी बेटी का उम्र है 10 इयर्स और बेटा का एक 15 इयर्स है एक 14 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग कितना हो गया 29 इयर्स और बोला है इन तीनों के उम्र के बराबर फादर का एज तो लैंग्वेज हम बनाएंगे स्टेटमेंट बनाइएगा द एज ऑफ टू सन्स आर स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे 15 प्लस 14 ये 15 क्या है पहला लड़का का उम्र है और 14 जो है सेकेंड दूसरे लड़के का उम्र है दोनों ऐड कर दिए दोनों लड़के का उम्र कितना हो गया 29 ईयर और देन आफ्टर द एज ऑफ ए डॉटर एक लड़की का उम्र कितना दिया है 10 ईयर तो दोनों ऐड करेंगे हम लोग का कितना आ गया 39 ईयर तो क्वेश्चन में हमको बोल दिया है हमको बता दिया पहले ही कि दो लड़कों और एक लड़की के उम्र जो है तीनों के उम्र के बराबर फादर का उम्र है तो 39 ईयर्स आ गया लिखेंगे हैंस द एज ऑफ फादर इज 39 ईयर तो ये हम लोग का 7 नंबर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 इसके जैसा ही है आप खुद बनाएंगे नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज 8 में हम लोग को पढ़ना है
फर्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है 2, 3, 4, 5 ये आप सेम आप खुद बुक में ही बनाइएगा, बहुत सिंपल है, ऐड है। 6 नंबर क्वेश्चन से हमने एक करके आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम जो दिया है वर्ड्स में है 111, 203, 330 and 40 and 42। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं, ये वर्ड्स में है, इसको फिगर में हम लिख लेंगे। पहला है 111, सेकेंड में दिया 203, थर्ड है 330, उसके बाद 42। क्वेश्चन पढ़ने में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हर जगह यहाँ कोमा दिया ये हुआ है 111, पहले हम लिख लेंगे 111, देन आफ्टर 203, यहाँ भी कोमा है 203 हो गया, 330 हो गया, लास्ट में है 42। मैं आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ेंगे, आप सजा कर लिखेंगे, अरेंज करके लिखेगा, उसके बाद ऐड कर देंगे, ऐड करने से हमारा कितना आ गया 686। तो 6C का ये हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें और भी है, BCD आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत सिंपल है, अरेंज करना है, ऐड द नंबर्स दिया हुआ है, इसका डी हम बना दिए, 402 है, 51 है, 133 है एंड 202 है, तो सबको हम लोग अरेंज कर लेंगे एक कलम में और उसके बाद ऐड करेंगे, जो कि हमने यहाँ अरेंज किया उसके बाद ऐड करके दिखा दिया, टोटल आ गया सम 788। तो ये 7D का फिनिश हो गया। इसमें और भी है, ABC आप खुद बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन होमवर्क हमने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7 आप फेयर में खुद करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन सामने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप PDF और बुक के हेल्प से फिर नोटबुक में आप बनाएंगे। जितना क्वेश्चन करा दिया आज एक्सरसाइज 6, 7, 8 ये तीनों का फेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।